हेलो एवरीवन, इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे आप कैसे प्लसबिज पर साइन अप करोगे और आपका डैशबोर्ड जो है वो आप कैसे देख पाओगे। तो पहले जो करना है हम लोगों को plusbiz.com इस वेबसाइट पर आना है, ठीक है। तो plusbiz.com वेबसाइट पर अगर आप आ जाते हो तब जाके आपको एक बॉक्स मिलेगा इस टाइप का। तो आपका जो ईमेल एड्रेस है ये आपको लाना है। तो मैं इधर पे एक ईमेल एड्रेस खोल चुका हूँ इस ट्यूटोरियल के लिए। इधर पे आपको उस ईमेल एड्रेस को पेस्ट कर देना है और स्टार्ट 14 डेज फ्री ट्रायल को क्लिक करना है। ये 14 डेज का ट्रायल नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रायल मिलेगा क्योंकि हम लोग कूपन देते रहते हैं 6 महीने का, 12 महीने का, तो वो आपको मिल जाएगा। मैं यस कर लेता हूँ इधर से और मैंने एक पासवर्ड सेट कर दिया। अब जाके मुझे कोई एक नेम पिक करना है। समझो मैंने इस जो नाम मैंने मेरा ईमेल एड्रेस का दिया, मैं वो भी दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जाके वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसका कोई भी दिक्कत नहीं है। शॉप का नेम जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं साइन अप पर क्लिक कर रहा हूँ। अब जाके मुझे बहुत सारे चीज़ इधर पे डालना है। आप लोगों का जो है वो इधर पे आप खुद का जो इन्फॉर्मेशन है, समझो योर फर्स्ट नेम, योर स्टोर कंट्री, हाउ शुड वी कॉन्टैक्ट यू, ये सब कुछ आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है। योर स्टोर कंट्री, ये आप जो भी सिलेक्ट करो आपका जो स्टोर का कंट्री है वो USA ही बाई डिफ़ॉल्ट होगा। तो मैं बोलूँगा इधर पर आप सब कुछ खुद का इन्फॉर्मेशन यूज़ करो और सिर्फ योर स्टोर कंट्री इसको आप USA का चूज़ करो, ठीक है। और आपका जो पर्सनल लोकेशन है वो आप जिस कंट्री से इसको देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो, तो इंडिया का आप इन्फॉर्मेशन दो। तो मैं इधर पे मेरा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं इधर पे मेरा एक फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ और फेसबुक का जो ऑप्शन है ये आप सब लोगों को डालना है। समझो आपकी स्टोर पे कोई एक प्रॉब्लम हम लोगों ने फाइंड आउट किया प्लसबिज की टीम से, तो आपसे कैसे रीच आउट करें। आपका अगर इधर पे फ़ोन नंबर और फेसबुक दोनों ही होता है तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलो मैं इधर पे एक फ़ोन नंबर देता हूँ। मैं खुद का एक फ़ोन नंबर देता हूँ और मेरा जो आईडी है मैं वो भी इधर पे डाल देता हूँ। मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब जाके ये सब कुछ रेडी होगा, ये लोड ले रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इधर पे हमारा 24/7 जो है वो लाइव सपोर्ट अवेलेबल है। ये जो है ये जो आपका राइट साइड है, राइट साइड बॉटम, इधर पे आपको 24/7 ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइव चैट पर ये अवेलेबल है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, इस मैसेंजर सिंबल पर क्लिक करना है, बाद में लाइव चैट पर क्लिक करके इधर पे आपको मिल जाएगा। तो मेरा तो डैशबोर्ड रेडी है, मुझे आप मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है और मेरा जो है वो सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करना है। तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। इधर पे आपको एक चीज़ ख्याल रखना है, वो ये है कि आप सिर्फ कूपन इधर पे बैठाते हो या फिर कॉपी पेस्ट करते हो तो काम नहीं होगा, आपको एक्टिवेट माई प्लान पर भी क्लिक करना है। मैं इधर पे जो भी अवेलेबल कूपन है मैं उसको अप्लाई कर लेता हूँ। ये एक्सपायर्ड हो चुका है, तो इधर पे एक कूपन एक्सपायर्ड है, आप मुझे थोड़ा बहुत टाइम दो, मैं एक और कूपन को लाता हूँ, उसको हम लोग अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। इस टाइप का जो कूपन्स है ये आपको हर एक समय मिल जाएगा, तो कुछ भी दिक्कत या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे कूपन्स जो है वो आते रहते हैं।
हमारे कूपन जो है वो आते रहते हैं। ये कूपन काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैं बांग्लादेश से हूँ। आपके लिए जो कूपन्स अवेलेबल होगा वो मैं सब कुछ आपको दिखा दूंगा, ठीक है? तो मैं अभी कूपन इधर पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, किसी और एक वीडियो पर मैं आपको कूपन बिठा के दिखाऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखना, मेरा आईपी जो है वो बांग्लादेश से है, इसीलिए ये कूपन नहीं ले रहा। तो जो कूपन्स होगा मैं फिर से एक बार बिठा के आपको दिखा दूंगा। एक चीज़ आपको बिल्कुल करना है वो ये है कि आपको इस टाइप का कोई एक कूपन मिलेगा, उसको आपको बिठा कर अप्लाई करके बाद में जाके, चलो इधर पे तो मिल गया, ये कूपन एक्टिवेट हो गया। तो ड्रॉपशिप 6M ये काम कर रहा है, मुझे 6 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल गया है, लेकिन अभी भी मैंने एक्टिवेट माई प्लान पर क्लिक नहीं किया, सिर्फ कूपन को मैंने बिठाया है। तो आपको एक्टिवेट माई प्लान पर क्लिक करना है। ये सब कुछ जीरो हो चुका है, आपको स्टार्ट प्लान पर क्लिक करना है। नो थैंक्स पर क्लिक करना है। अब जाके एक्टिवेट माय प्लान का जो ऑप्शन है वो चला गया, मेरा स्टोर अब रेडी है। मैं अब थीम सिलेक्शन या फिर स्टोर डेकोरेशन पर जा सकता हूँ। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरा अकाउंट्स पर अभी तक फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने वेरीफाई नहीं किया, तो वो उन्होंने मांगा भी नहीं, ठीक ठाक है। अब जाके आपका जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स पर जाओ, जनरल पर जाओ और जाके इधर से अलाउ प्लस बेस टू चेंज प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इफ नीडेड, इसको सिलेक्ट करके आप सेव कर दो। सेव करने की अगर आप ट्राई करोगे तो आपको इधर पे बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको ये बोलेगा वो बोलेगा। तो आपको आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका एड्रेस जो है, ये आपको इधर पे डालना है। मैं खुद का एड्रेस डाल रहा हूं और ये सब कुछ रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। तो मैंने सब कुछ इंफॉर्मेशन डाल दिया और ये मैंने अलाउ भी कर दिया। अब मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करूंगा। देखो मेरा ये सब कुछ सेव हो चुका है। मेरा स्टोर डेकोरेशन करने के बाद मैं ये जो प्लस बेस ट्यूटोरियल मैंने लिखा है मैं ये चेंज कर दूंगा, तो स्टोर का नेम भी चेंज हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने ठीक से देख लिया कैसे हम लोगों को साइन अप करना है और इधर से आके हमको कूपन कोड एक्टिवेट करना है। ये तो पहले ही आपको मिल जाएगा, ऊपर ही शो करेगा एक्टिवेट योर कूपन। अगर किसी का ये नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली जो है वो अकाउंट्स पर जाना है। अकाउंट्स पर अगर आप जाते हो तो इधर से आपको वो मिल जाएगा। और अगर आप किसी और एक स्टाफ या फिर आपका कोई एक एम्प्लॉय को ऐड करना चाहते हो तो इधर से ऐड स्टाफ अकाउंट, इसको क्लिक करके आप बहुत सारे स्टाफ या एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हो। और इधर से कूपन को भी एक्टिवेट करना है, तो साइन अप करो, कूपन को एक्टिवेट करो, एक्टिवेट माई प्लान पर क्लिक करो। बाद में जाके आप जनरल पर जाओ, आपका सभी के सभी इंफॉर्मेशन को डालो और अलाउ प्लस बेस टू चेंज प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इफ नीडेड, इसको क्लिक करके आपको सेव कर देना है। तो आपका साइन अप कंप्लीट है। हम नेक्स्ट वीडियो पर कैसे आपका स्टोर डेकोरेट करना है या फिर कैसे कोई एक अच्छे से डोमेन पिक करना है या फिर डोमेन कैसे खरीदना है, ये सब कुछ हम लोग दिखाने वाले हैं। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। एक और बात, आपका ये सब कुछ जो कंप्लीट हो चुका है, आपका एक ईमेल आने वाला है प्लस बेस से, जिसको आपको एक्टिवेट करना है। मैं इस वीडियो को इन करने से पहले उसको आपको दिखाने वाला हूँ। तो इधर पे आप लोगों को मिल जाएगा कॉन्फर्म योर ईमेल एड्रेस या फिर कॉन्फर्म योर ईमेल, इस टाइप का कोई एक ईमेल आपके पास आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से जो इन्फॉर्मेशन आपको इधर पे मिल जाएगा कॉन्फर्म योर ईमेल, आपको क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक ये जो है ये वेरीफाई कर लेगा, तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट है। अगर किसी एक समय में आपको फोन वेरिफिकेशन चाहता है तो आप फोन भी वेरीफाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो ये सब कुछ हमारे लिए इधर पे डन है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। तो चलो सबके साथ नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग जो बोल रहे थे कि डोमेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, बाय कैसे करेंगे, स्टोर कैसे डेकोरेट करेंगे, ये सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग वो भी वीडियो ठीक ठाक से देखो और नॉलेज गेन करो। टेक केयर गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।